बहुत दिन पहले की बात है, उन दिनों मैं दिल्ली में रहा करता था, तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वहाँ पे मैं जाता था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो एक दिन हुआ यूँ, सुबह मैं गया तो एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ पे कॉफ़ी मग। तभी मैंने देखा एक फैमिली इंटर कर रहा है, तो पापा मम्मी एक छोटा सा बच्चा बैठा, तो लोग आए और नज़दीक एक टेबल लेके बैठे। अगले पल मैंने देखा दूसरा और एक छोटा बच्चा आया और फैमिली में शामिल हुआ। ये जो बच्चा जो नेक्स्ट टाइम आया वो थोड़ा चल नहीं पा रहा था, एक स्क्रच नहीं होता स्क्रच के पता लो, तो आया और वहाँ पर बैठा आराम से। फिर मैंने गौर से देखा तो ये भी मुझे लगा कि वो देख नहीं सकता ठीक तरीके से, लेकिन उस छोटे बच्चे के अंदर इतना जिंदादिली था, वो सबको हंसा रहा था। पापा मम्मी उसके भाई सबको हंसा रहा था, वेटर आया वेटर को भी हंसा रहा है, कुछ बोल के कुछ सुना के कुछ गा के कुछ नाच के, मतलब प्रोफाउंड एक हैप्पीनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, एंटर एनवायरनमेंट को वो अपलिफ्ट कर रहा था। वैसे मुझे लगा कि उसका पापा मम्मी थोड़ा उदास है, वो उसका भाई भी थोड़ा उदास है, लेकिन ये लड़का लेकिन हाई स्पिरिटेड है बहुत। तो उस दिन जिंदगी से मुझे एक सीख मिली, बहुत बड़ी सीख मिली, यही है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे पास क्या है जिसके बदले तुम दूसरों में और जिंदगी फैला सकते हो। ये तो ये हमारे अंदर जो है, और ये वही हम लोग मायूस हो जाते हैं, हम लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ज़िंदगी में कर नहीं पाए, इतना कुछ कर नहीं पाया, ये होना था नहीं हुआ वगैरह वगैरह, बहुत कुछ थॉट प्रोसेस में आते रहते हैं। लेकिन उस दिन उस बच्चे ने एक सीख हमें देखे गए हैं, यही है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे पास क्या है जिसके बदौलत तुम सारी दुनिया को खुश रख सकते हो, खुशी बांट सकते हो।